हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, नीट 2024 का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। आप एडमिट कार्ड को exam.nta.ac.in/neet से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्टली एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो बेटा, ये 2023 के बच्चे का सैम्पल एडमिट कार्ड है। 2024 में भी आपको ऐसा ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बता देता हूँ कि आपको एडमिट कार्ड की कितनी कॉपीज निकालना है और एग्ज़ाम के दिन क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी है। तो सबसे पहली बात बेटा, अगर तुम ये एडमिट कार्ड पूरा देखोगे तो 3 पेज का एडमिट कार्ड है, जिसमें पहला पेज तुम्हारा सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है, दूसरा पेज तुम्हारा पोस्ट कार्ड साइज फोटो के लिए है, और तीसरे पेज में आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट। तो आपको पहले और दूसरे पेज का प्रिंटआउट निकालना है और इसकी 2 कॉपी निकलवा लीजिएगा, कि आप अगर पहले कॉपी में कुछ गलती भी करते हैं तो एग्जाम हॉल पे जाके दूसरे कॉपी में आप वो चीजें फिक्स कर पाए। तो इसीलिए 2 कॉपी उसकी निकलवा लीजिएगा, पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 की। ठीक है, अब तुम एडमिट कार्ड देखोगे तो कुछ ऐसा है जहां पे आपका रोल नंबर दिया हुआ है, कैंडिडेट्स नेम, जेंडर, कैटेगरी पीडब्ल्यूडी अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो डिसेबिलिटी दिया हुआ है, और टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी दिया है, फिर एप्लीकेशन नंबर है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, और अगर स्क्राइब रिक्वायर्ड है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो स्क्राइब रिक्वायर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर है, यहाँ पे कैंडिडेट का फोटो है, और यहाँ पे उसका एप्लीकेशन नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मीडियम अगर आपने बाइलिंगुअल पेपर सेलेक्ट किया होगा, हिंदी किया होगा या कुछ किया होगा, तो हिंदी आ जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश होगा। ठीक है, एग्जाम आपका आएगा यहाँ पे 5th में। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम 2 तरह का रिपोर्टिंग टाइम होगा, किसी बच्चे का 11 बजे का आ जाएगा, किसी बच्चे का 1 बजे का आ जाएगा, वो आपकी किस्मत पे आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या आता है। ठीक है, उसके बाद गेट क्लोजिंग टाइम आपका 1:30 PM होगा, एग्जाम आपका 2 से 5:20, 3 घंटे 20 मिनट का होगा। ठीक है, और टेस्ट सेंटर नंबर आपका आएगा, टेस्ट सेंटर का नेम आएगा, एड्रेस आएगा, यहाँ तक तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके नीचे जो आता है वो सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग आता है, जहाँ पे आपको ढंग से भरना है। तो देखो बेटा क्या है, पहला कि आपको एक अपना फोटो, सेम फोटो जो आपने यहां एडमिट कार्ड में लगाया है, ये सेम फोटो चिपका के ले जाना है। कैसा? पासपोर्ट साइज फोटो। तो पहला यहां पासपोर्ट फोटो आपको चिपका के ले जाना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन यहां पे चिपका के पहले से ले जाना है। तो ये बिफोर है, देखो यहां पे बिफोर अंडरलाइन किया हुआ है, ये बिफोर है। ठीक है, यहां पे बिफोर अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर ये जो है, यहाँ कैंडिडेट सिग्नेचर है, यहाँ पे अभी आप साइन मत कीजिएगा, ये इनविजिलेटर के प्रेजेंस में आपको साइन करना है, ये इनविजिलेटर के प्रेजेंस में आपको साइन करना है। ठीक है, तो पहला पेज आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ लगेगा, एक आपका थंब इम्प्रेशन यहाँ लगे, और इसको अभी खाली छोड़ दीजिएगा, ये एग्जाम हॉल में इनविजिलेटर के सामने आपको साइन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगेगा, 4x6। ऑलरेडी आपने ये पोस्ट कार्ड साइज फोटो निकाला होगा। ठीक है, ये सेम फोटो होना चाहिए जो यहाँ पे लगा हुआ है, उसी का बड़ा वर्जन होना चाहिए। ठीक है, तो ये पोस्ट कार्ड साइज फोटो आप चिपका के पहले ले जाएंगे। देखो यहाँ साफ लिखा है ना, हियर बिफोर रीचिंग द सेंटर, तो आप पहले इसको चिपका के लेते जाएंगे। पिछले साल एक दिक्कत हुआ था कि पोस्ट कार्ड साइज फोटो सही से चिपक नहीं रहा था, तो उन्होंने फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया था। इस साल अगर ऐसा होगा तो भी आपको फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, फिर इन्विजिलेटर सिग्नेचर है, आपको करना नहीं है उसमें, मतलब इन्विजिलेटर ही करेगा। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर है जो इन्विजिलेटर के प्रेजेंट होगा, मतलब 2nd पेज में आपको बिफोर सिर्फ इसको चिपका के रखना है। ठीक है, और इसको खाली छोड़ देना है जो इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में हो। ठीक है, अब उसके बाद बोला है कैंडिडेट इज टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन द लेफ्ट साइड। अब जैसे ये यहाँ पे फोटोग्राफ है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आप साइन कर दोगे मान लो कि आनंद। ठीक है, और दूसरा क्या है, अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन द राइट साइड पे इन्विजिलेटर का साइन करेगा, तो यहाँ पे इन्विजिलेटर का साइन आएगा, आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे ऐसे लेफ्ट साइड साइन करके छोड़ देना है। ठीक, उसके बाद ये वाला फाइल याद रखना, हमेशा आपको इन्विजिलेटर को देना, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ना, ये आपको इन्विजिलेटर को देना पड़ेगा जब आप छोड़ के जा रहे हो एग्जाम सेंटर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, अब आते हैं एग्जाम पे क्या क्या भैया, तो क्या कह रहा है आपको, आपको क्या क्या चीज एग्जाम में ले जाना है। तो आपको क्या क्या चीज ले जाना है सर एग्जाम में, आपको ले जाना है एग्जाम में आईडी प्रूफ अपना। अब ये आईडी प्रूफ आपका पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आई कार्ड हो सकता है, क्लास 12 का एडमिट कार्ड हो सकता है, या कोई भी गवर्नमेंट इशू फोटो आई कार्ड जो ओरिजिनल है, इसका फोटो कॉपी आप नहीं ले जा सकते,
तो पहला आपको आईडी प्रूफ ओरिजिनल ले जाना है, ठीक है। दूसरा आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, ठीक है, प्लस अंडरटेकिंग, ये पेज नंबर 1 एंड 2, पेज नंबर 1 एंड 2, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, आप और क्या क्या चीज ले जा सकते हैं? आप पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ठीक है, बिस्लेरी के पानी का दो, उसका छिलका खोल दो और वो आप ले जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, एडिशनल फोटोग्राफ आपको ले जाना है, ठीक है, जो अटेंडेंस शीट में पोस्ट होगी। तो आप क्या करना, ध्यान से बेटा मैं बता रहा हूं अभी, ध्यान से 2 पासपोर्ट साइज फोटो और रख लेना, ठीक है, और 1 पोस्टकार्ड साइज और रख लेना। कल को कुछ भी तुम्हारा उखड़ गया, कहीं कुछ इंक गिर गया, कुछ हो गया, ठीक है, और एडमिट कार्ड का भी अंडरटेकिंग पेज का 2 कॉपी रख लेना, ताकि एक तुम एग्जाम सेंटर पे लेते जाओ और एक घर से लेके चले जाओ, तो कल को कुछ भी उसे पानी गिर गया, कुछ भी हो जाएगा, तो पैनिक मोड में नहीं आओगे, ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको लेके जानी है और कुछ भी लेके नहीं जानी है, ठीक है। अच्छा, आपको ड्रेस कोड पे बेटा आपको स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड फॉलो करना है, ड्रेस कोड पे एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, अब इतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। सिंपल सा चीज है, आप सर मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, क्या फायदा? किसके पास एक सफेद टी शर्ट नहीं होगी, किसके पास एक नीली टी शर्ट नहीं होगी, तो प्लेन टी शर्ट ले लो, बिल्कुल एकदम प्लेन टी शर्ट, ठीक है, अपनी शादी में तो जा नहीं रहे हो, है ना, एक प्लेन टी शर्ट ले लो, एक पजामा ले लो, ठीक है, सिंपल सा, ठीक, और एक हवाई चप्पल ले लो, कोई तामझाम, ब्रेसलेट, ईयर रिंग, नोज रिंग, हेयर पिन, कुछ नहीं, ठीक है। बाल बांधना है रबड़ से, जो होता है ना रबड़ आता है एकदम, बिना डंडी उंडी वाला, वैसे रबड़ से बांध लो। अब इस पे तामझाम क्यों करना, सिंपल सा सीधा साधा एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे सो के उठते हो ना वैसे उठ के जाके एग्जाम दे दो, और तुमको किसी चीज का ध्यान नहीं रखना। काम की चीज जो है इंपॉर्टेंट, क्या, आईडी प्रूफ बिल्कुल लेके जाइएगा बेटा, ठीक है, एडमिट कार्ड ले जाना है, सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग ले जाना, उसका 2 कॉपी ले जाना, ठीक है, जैसा मैंने पहले कॉपी में बताया दूसरे कॉपी में भी वैसा करके लेके चले जाइएगा, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस ना हो, है ना, बेटर है कि अभी पहले उसको निपटा दो ताकि स्ट्रेस नहीं हो। तीसरा चीज एक और काम करना, कि आप एग्जाम सेंटर, अगर आपके सिटी में ही सेंटर है तो एक दिन पहले जाके सेंटर देख लेना, क्या होता है लास्ट डे ट्रैफिक हो जाता है, पैनिक मोड में आ जाते हो, कैसे जाना है, क्यों जाना है, तो वो काम भी एक दिन पहले कर लीजिएगा। आई होप आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, विश यू ऑल द बेस्ट, हमने अच्छे तरीके से रिविजन की है पूरी, आपको लास्ट डे रिविजन के लिए हमने 20 फैट नोट्स भी भेज दिए हैं, तो उस पेज को भी आप एग्जाम के दिन जरूर दे के जाइएगा। आप अच्छा करें एग्जाम में, दिमाग शांत रखोगे, तुम्हारे 50 नंबर बढ़ जाएंगे तुम्हारे एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना, जितना पैनिक करोगे उतना परेशान होगा। ऑन दैट नोट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।